फांसी के एक कदम और नजदीक पहुंचा निर्भया का गुनहगार पवन। सुप्रीम कोर्ट ने पवन के उस दावे को ठुकरा दिया है जिसमें उसने ये कहा था कि 16 दिसंबर 2012 को वो नाबालिग था। जिस रात निर्भया के साथ बेरहमी हुई थी, गैंग रेप और उसको मौत के कगार तक पहुंचा दिया गया था, जिसमें बाद में उसकी मौत भी हुई थी, उस घटना के वक्त वो नाबालिग था। इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने इस बारे में जो फैसला दिया है उसमें दखल देने की हम कोई जरूरत नहीं समझते हैं। दरअसल पवन का ये दावा है, पवन के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक सर्टिफिकेट पेश किया अम्बेडकर नगर के स्कूल गायत्री बाल पाठशाला का एक सर्टिफिकेट पेश किया जहां पर कि पवन ने पढ़ाई की थी और उसमें ये लिखा गया है कि पवन के जन्म की तारीख साल 1996 की है। इस हिसाब से उसकी उम्र घटना के वक्त 16 साल की थी, ऐसा वकील का दावा था। जबकि मुकदमे के दौरान ये साबित हो चुका है कि घटना के वक्त पवन 19 साल का था। सुप्रीम कोर्ट ने पवन के वकील एपी सिंह को विस्तार से अपनी दलीलें रखने का मौका दिया। वो एक के बाद एक ये कहते गए कि मीडिया के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और पवन को नाबालिग होने का सबूत देने का मौका नहीं दिया। निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। निचली अदालत में जब बातें रखी गई तो निचली अदालत ने भी उन्हें सुना नहीं और बिल्कुल तेजी से, तेज रफ्तार से मुकदमा चलाया गया और मीडिया ट्रायल का खामियाजा पवन को उठाना पड़ा। इसका जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को का ध्यान इस बात की तरफ दिलाया कि ये बातें नई नहीं हैं। पवन शुरू से ये दावा कर रहा है। सबसे पहले 10 जनवरी 2013 को निचली अदालत ने इस दावे को ठुकराया था, बाद में हाईकोर्ट ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दावे को ठुकराया था। पवन के वकील का कहना था कि ये सर्टिफिकेट नया है जो हम स्कूल से लेकर आए हैं। इसका भी जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस सर्टिफिकेट को भी सुप्रीम कोर्ट देख चुका है। जब रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की गई थी तब पवन के वकील ने यह सर्टिफिकेट रखा था और 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था तब विस्तार से सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा की थी और लिखा था कि अब इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने जो सबूत रखे हैं पवन की उम्र को लेकर, यानी कि उसके स्कूल के रजिस्टर में जो दर्ज उम्र थी, इसके अलावा जो उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट में जो उम्र निकल कर आई थी, इन सभी बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस बात को नहीं माना था, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अब इस दावे पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। नाबालिग होने का दावा कोई दोषी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आकर, लेकिन इसकी भी कोई सीमा है। बार बार एक ही बात एक ही कागजात के आधार पर नहीं कही जा सकती है। तो 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी का समय मुकर्रर किया है निचली अदालत की तरफ से और उससे पहले एक कोशिश पवन की नाकाम हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसके नाबालिग होने के दावे को स्वीकार करता तो नए सिरे से मुकदमा चलाना पड़ता और उसे फांसी नहीं मिल पाती क्योंकि वो नाबालिग मान लिया जाता, पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पवन फांसी के एक कदम और नज़दीक पहुँच गया है। हालाँकि पवन और अक्षय ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की है। इसके अलावा विनय, पवन और अक्षय ने अभी राष्ट्रपति को दया याचिका नहीं भेजी है। तो ये कदम अभी बचते हैं, कानूनी विकल्प उनकी तरफ से बचते हैं जिनका वो शायद इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर ये देखना होगा कि कब तक इन चीज़ों पर फैसला हो पाता है। ऐसे में हो सकता है कि 1 फरवरी को भी फांसी शायद न लग पाए, हालांकि आने वाले कुछ दिनों में ही इस बारे में स्पष्टता हमें मिल सकेगी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।